नमस्कार दोस्तों, ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो है। मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सैमसंग के एक पुराने स्मार्टफोन, वो है सैमसंग J5 Pro, जो 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। चलिए शुरू करते हैं इसी वीडियो को। मेरा नाम है हिशाम फजील और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल बॉस। मिस्टर टेक्निकल बॉस, ये फ़ोन 2017 जून में लॉन्च हुआ था और ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। और मैंने इस फ़ोन को 2018 में खतर से परचेज़ किया था। पूरा बॉडी एल्युमिनियम है, जैसे कि आप देख सकते हैं एल्युमिनियम बॉडी है, फ्रंट ग्लास है और इसका वेट करीबन 160 ग्राम होगा। इसकी ऊपर की तरफ क्लीन है, जैसे कि आप देख सकते राइट साइड में ऊपर में स्पीकर है, उसकी ठीक नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है और है नीचे नीचे की तरफ माइक्रोफोन है, चार्जिंग स्पॉट है और सी टाइप नहीं है, नॉर्मल केबल है और एक हेडफोन जैक भी दिया गया है। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स है, पीछे की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग है और सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल f1.7 अपर्चर विद फ्लैश आता है। और लेफ्ट साइड में जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रिपल स्लॉट दिया गया है, एक सिम के लिए और एक सिम विद मेमोरी कार्ड के लिए, जैसे कि आप बोल सकते हैं डेडिकेटेड स्लिम स्लॉट भी दिया गया है। इसकी डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज का। इसके साथ एक और वेरिएंट भी आता है, वो है 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज का। प्राइसिंग मैं लास्ट में बता दूंगा और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी बैटरी 3000 mAh के है, जैसे कि मैं देख आपको दिखाता हूँ। आप और फ़ोन में जाएंगे तो बैटरी इंफॉर्मेशन 3000 mAh है और इसका सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड्रॉयड पाई पे आता है, एंड्रॉयड पाई पे है। और इसका सैमसंग ये 1.1 है जो बहुत ही अच्छा है। और जो इसका प्रोसेसर है वो एक्सिनोस का 7870 ऑक्टोकोर 1.7 GHz का है और माली T830MP1 है। अनबॉक्स एंड्रॉयड 7 आता है, फिर अपडेट के बाद एंड्रॉयड पाई आ जाता है। और मैंने रेयर व्यू कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट में भी 1080p 30fps पे कर सकते हैं। फ्रंट माउंट क्लासिक सैमसंग स्टाइल फिंगरप्रिंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत फास्ट है। और इसमें सभी टाइप के सेंसर्स मिलते हैं, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, कंपास, सभी टाइप के सेंसर मिलते हैं और इवन FM रेडियो भी मिलता है। और कुछ कैमरा सैंपल्स ये रहे। सोच रहे हैं कि रिफर्बिश फ़ोन लेना है वो सैमसंग की होनी चाहिए, तो मैं ये डेफिनेटली कंसिडर करता हूँ। आपके लिए मैं बोलूँगा कि 3000 mAh की बैटरी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, स्पीकर ग्रिल भी बहुत ही अच्छा आउटपुट देती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत प्रीमियम फील होती है हाथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है इसकी और फिंगरप्रिंट भी बहुत ही अच्छा काम कर लेता है। फिर आता है इसकी एंड्रॉयड 9 पाई आता है और इसमें 16 GB इंटरनल स्टोरेज और 2 GB रैम का ऑप्शन भी है और 3 GB रैम और 32 GB का स्टोरेज का ऑप्शन भी है। मैं कंसिडर करता हूँ आपके लिए 32 GB और 3 GB रैम की। और इसकी गेमिंग टेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।